इस बीच हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं बैंगलोर से, तस्नीम। तस्नीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी वाले सलाम। तस्लीम जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दिल पे, दिल में प्रॉब्लम है। दिल में दर्द है? दिल में दर्द है जी। दिल में गोश्त बढ़ गया है। दिल पे, माफ कीजिए, क्या बढ़ गया है? गोश्त, हाथ हाथ में गोश्त बढ़ गया है। ठीक है, डॉक्टर साहब, इसलिए मैं फोन कर रही थी। उन्होंने बोले थे एसकेप प्लस पीओ करके, इसलिए तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी सीखेंगे। सांस फूलता है क्या आपका? सांस सांस फूलता है चलने में? चलने में बहुत कम पेन होती है डॉक्टर, ज्यादा फल्ला नहीं बोलते थे, ज्यादा काम नहीं कर रहा बोलते थे मेरे से। ठीक है, ज्यादा दो दम खाना बोलते थे। ठीक है, सांस फूलती है, ज्यादा एकदम नहीं आती। चलने चलने फिरने की खूब बहुत एहतियात करिए, बहुत मजबूरी में कहीं चला फिरा करिए। और देखिए, धनिया सौंफ, धनिया और सौंफ दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर इसका पाउडर बना के रख लें। एक चम्मच ये धनिया और सौंफ का पाउडर खाएं, और एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और इस पानी से धनिया और सौंफ का एक चम्मच पाउडर खाएं दिन में 2 बार, तो इंशाल्लाह आपको फायदा मुमकिन है। साथ हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं पीलीभीत से, मोहन लाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। क्या है? हम किसी समस्या के बारे में पता करना चाहते हैं। जी, लड़का है हमारा, ये कम से कम 18-20 साल का। हेलो जी, जी हम सुन रहे हैं। उसके बवासीर की शिकायत है। कौन सी बवासीर है, खूनी या बादी? खूनी है, खूनी साहब। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में संपर्क करना चाहते हैं, दवाई पूछना चाहते हैं। ठीक है जी। आप लिख लीजिए, पेन वगैरह है आपके पास, कॉपी पेन? हाँ जी है पेन। आप लिख लीजिए नुस्खा और बनाइए और उनको इस्तेमाल कराइए। देखिए, जो पनवाड़ी पान पर कत्था लगाता है ना, ये मार्केट पे मिलता है सूखा हुआ, कत्था सफ़ेद कहते हैं। कत्था सफ़ेद आप ले लीजिए 100 ग्राम, कत्था सफ़ेद जो पान पे लगाया जाता है, सूखा हुआ मिलता है, 100 ग्राम कत्था सफ़ेद और 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, 100 ग्राम इसबगोल की भूसी और 100 ग्राम लाजवंती, लाजवंती भी एक दवा का नाम है, बारीक बारीक बीज होते हैं, 100 ग्राम लाजवंती और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद। ये गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली लेना, बाकी चीज़ें सब असली मिलती ही है। इन सबको पाउडर बनाकर आप रखें, और 2 ग्राम की या तो गोली बना दें, 1-1 ग्राम की 2 गोलियां सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ दे दें, 1 कप दूध भी होगा तो चलेगा। और 1 टाइम दें या 2 टाइम, बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 टाइम दें, कम परेशानी है तो 1 टाइम ज़रूर दिया करें। 2 ग्राम की ये खुराक है। ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ, ये ख़त्म होते होते बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे अगले कॉलर हिसार से, रतन सिंह सैनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका सवाल? मेरा सवाल ये है सर, मेरे पाँव में ये शुगर है। शुगर है? पाँव बढ़ते हैं जी। पाँव में शुगर है, समझे? माफ कीजिए, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है। आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे शुगर है जी। जी, आपको शुगर है, और कोई परेशानी? पैर बढ़ते हैं जी बहुत नीचे से। पैर में आपका मतलब सूजन से है?
पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, आपका जो टीवी का वॉल्यूम है आप उसे कम करें, तभी आप तक हमारी जो आवाज है वो साफ साफ पहुंच पाएगी और आपकी आवाज भी हम तक साफ साफ पहुंच पाएगी। हाँ जी जी, आपकी परेशानी ठीक जी। तो देखिए, शुगर वालों के लिए एक नुस्खा है, उसे कहते हैं जामुन का गोंद। जामुन का गोंद असली खरीदें, नकली भी मिल जाता है, और एक चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और एक चुटकी खाने के बाद रात को, या पहले भी ले सकते हैं खाने से, एक एक चुटकी इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर लेवल और आपके जो पैरों की प्रॉब्लम है उसमें फ़ायदा मुमकिन है। हमारी जो अगली कॉलर है वो जुड़ी हैं दिल्ली से, राज शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम सॉरी, मेरा कॉल कट गई थी मैंने, इसलिए दोबारा करी है। जी स्वागत है एक बार फिर से आपका। हकीम जी नमस्कार, कहिए। जय हिंद, स्वागत है। हकीम जी मेरी कॉल कट गई थी, सॉरी कह रही हूँ, इसलिए वो मेरे को अपने पोते के लिए पूछना था। मेरा पोता 11.5 साल का है और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, 40 किलो उसका वेट है। ठीक जी, हाँ तो बता दीजिए आप। मैंने वैसे लिखा हुआ आपका नुस्खा, पर एक बार क्लियर कर लेती हूँ बात। तो देखिए, गौंद मोरिंगा सफेद, गौंद मोरिंगा सफेद, अभी बच्चा छोटा है तो आधा आधा ग्राम दो बार दें, पानी से दें, वजन ज़्यादा हो तो पानी से दें, और नारियल पानी से दे सकते हैं और पानी से दे सकते हैं, दूध से भी दे सकते हैं, लेकिन वजन ज़्यादा उनमें है तो आप उन्हें पानी से ही दें और दो बार में दें, तब उस बच्चे में भी बहुत गुंजाइश है हाइट लंबा करने की। आप भगवान पर भरोसा करें, भगवान से मदद मांगें, अभी उसमें गुंजाइश है लंबा होने की। बीच हमारे साथ हमारे जो अगले कॉलर जुड़े हैं वो है हरियाणा से, बलवान सिंह। बलवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, किम साहब से बात करवाएं। जी आप बात कर रहे हैं। जी बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर मेरी मिसिज है, उनकी एज है 55 साल, और उनके जो है ना कमर में और पैरों में दर्द रहता है कई सालों से। ठीक है, और मैंने गोंसिया मंगाया है आपके यहाँ से। जी 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 जी, तो गोंसिया मेरे पास पहुंच गया, तो उसका लेने का क्या तरीका है, कितनी मात्रा में ले और परहेज क्या करें। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। जो देखिए, गोंसिया आधा ग्राम यानी दो चुटकी, ऐसी चुटकी दो या एक काबली चने के बराबर, एक बड़ा वाला चना होता है ना उसके बराबर ले, आधा ग्राम समझ लीजिए, नाश्ते के बाद पानी या दूध से ले, और फिर रात को खाने के बाद पानी या दूध से ले। परहेज ये है कि सब कुछ खा सकते हैं लेकिन झाड़ू पोछा ना करें, और ऐसा जो कुर्सी वाला शौचालय होता है वेस्टर्न टॉयलेट, उसका प्रयोग कराएं जब तक उनका इलाज चल रहा है। झाड़ू पोछा भी ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, वजन नहीं उठाएं तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ जो जुड़े हैं हमारे साथ। बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, हमारा एक सवाल था जी, कि हमारी कूल्हे में दर्द रहता है पिछले हिस्से में जी, और हमारी तले पूरी टांग में रहता है, बाईं टांग में, तो इसके लिए दवाई पूछ रहे थे कि क्या करना है, क्या दवा है या नहीं। जी आपके बाईं टांग में क्या रहता है? दर्द रहता है, दर्द कूल्हे से लेकर और नीचे पैर तक। ठीक है, आपकी उम्र? उम्र है लगभग 55। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो वजन बिल्कुल ना उठाएं, ये दो बातों का ख्याल रखें खास, वजन बिल्कुल नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, और इसकी दवा हो सकती है लेकिन इन दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक आता है काला गोंद, इसे गोंद स्याह भी कहते हैं,
और ये नकली बहुत मिलता है, आपको असली लेना है। ये 15-16 रुपए में एक ग्राम आता है, ये एक ग्राम के दो हिस्से करिए, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से ले लीजिए और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से ले लिया करिए। लगातार अब 2-3 महीने अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं और हिदायत पर भी अमल करते हैं तो आपका ठीक होना मुमकिन है। इस बीच हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं पठानकोट से, सुषमा। सुषमा जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मेरे 2-3 सवाल हैं जी। सर मेरा एक बेटा है, उसकी है ना एडी के ऊपर थोड़ा सा जो ये एंकल होता है उससे एक थोड़ी सी गांठ है, और उसके लिए हमने उसका वो अल्ट्रासाउंड भी करवाए, MRI भी करवाई, वो हड्डी के साथ नहीं है, वो ऊपर वाली स्किन में है, और वो डॉक्टर ने उसका थेरेपी भी की पर वो उसको ठीक नहीं हुई। एक ये है, और दूसरा मेरी बहन है वो उसको टाइफाइड रहता है, वो पहले 7-8 साल पहले उसको टाइफाइड हुआ था और वो 4-5 महीने बड़ी बीमार रही थी, उसके बाद वो अब ठीक है, पर अब उसको क्या होता है 6 महीने के बीच उसको टाइफाइड हो जाता है दोबारा, पर जब मतलब उसको बुखार नहीं होता, अब बुखार नहीं होता, सिर्फ उसके क्या होता है हड्डियों में दर्द होती है, जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उसको टाइफाइड आता है, तो उसको पेट के लिए हम वो आपके वो छः जो पाउडर है वो 6 चीज़ों का पाउडर बना के और जैतून नमक वो भी दे रहे हैं उसको। तो तीसरा ये है कि जो मैं तो आपका शाह गोंद वो खा ही रही हूँ, मुझे तो उसके साथ काफ़ी फ़र्क था, अब मैंने दूसरी बार फिर मंगवा लिया, वो खा रही हूँ और बच्चों को भी वो दे रही हूँ गोंद मरिंगा। तो सर वो अब मेरी क्या है कि जो मेरी जीप बिल्कुल वाइट है, माफ कीजिए, जीप जो है मेरी वो वाइट है, मतलब पिंक कलर में जीप नहीं है मेरी, और जैसे काफ़ी उसमें जैसे मैं कोई बात करती हूँ तो लार वो बाहर टपकती है। ठीक है। तो गौण सिया से तो आपको भगवान ने फायदा दिया और दूसरे लोगों को भी फायदा आपको धीरे धीरे होता जाएगा। अच्छा, जीभ अगर आपकी वाइट है तो ये जो खाने का सोडा है ना, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, एक चुटकी, और अपने हाथ पे ऐसे रखें और ऐसे दांतों पर ऐसे मालिश कर लें मसूड़ों पर, और फिर उसके जो लार आती है उसे थूक दें चाहे तो, लेकिन कुल्ली नहीं करें, रोज़ाना एक बार ऐसा किया करें तो आपकी जीभ में भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। साथ ही इनके जो बेटे हैं उनके एड़ी के पास गांठ बन गई है। देखिए, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो उसे छेड़छाड़ ना करें, और कोई तकलीफ है तो फिर उस बच्चे को भी गौंसिया दे सकते हैं, और उस गांठ को खुश्क भी किया जा सकता है, गौंद चिलगोजा एक चुटकी रोज़ाना देकर। लेकिन ये देखें कि उनको तकलीफ है कि नहीं है, अगर तकलीफ नहीं है तो कुछ भी ना कराएं, वो कभी कभी अपने आप ही अच्छी हो जाती है जी। साथ ही इनकी बहन है जिन्हें टाइफाइड हुआ था, वो ठीक हो गया है, लेकिन रह रहकर जो उसके साइड इफेक्ट्स है या बार बार भी टाइफाइड हो रहा है उन्हें, तो वो जो 6 चीज़ों का आप उनको सफूफ या पाउडर बना के देती हैं, जो उसमें अलसी भी मिला लें 100 ग्राम, और फिर वो आप उन्हें देंगे तो उनको और जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है।